मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अंसारी नाम के एक आतंकवादी को कश्मीर में हिंदू मुसलमानों का रिश्ता पसंद नहीं आ रहा होता है। उसे ये पता होता है कि हिंदू मुसलमान के बीच अच्छा रिश्ता इंडियन आर्मी की वजह से है, और वह इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कश्मीर भेजता है और कश्मीर में ही उन्हें एक नॉर्मल कश्मीरी बन के रहने को कहता है। लेकिन तभी मूवी की कहानी 1964 से 1985 की तरफ शिफ्ट होती है। फिर हमें एक पाकिस्तानी मूल की आफरीन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो लंदन में रहती है और उसे इंडिया से बड़ी जलन रहती है। वह इंडियन फ्लैग को जलाने के लिए एक इंडियन बिजनेसमैन की कार में आग लगा देती है, लेकिन वह बिजनेसमैन आदमी उसे दो चॉइस देता है, या तो मुझे सॉरी बोल दो नहीं तो मुझे 10 लाख रुपए दो। लेकिन वह सॉरी बोलने की बजाय 10 लाख रुपए देना चाहती है और वह पैसे लेने के लिए पाकिस्तान में जाती है अपने दादा के पास, जो पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर जनरल होते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है उनकी डेथ हो चुकी होती है। लेकिन उसका दादा मरने से पहले वसीयत में लिखवा के जाता है कि आफरीन को एक लेटर पहुंचाना है जो 1965 में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट राम ने अपनी प्रेमिका सीता महालक्ष्मी को लिखा था। ये लेटर खुद आफरीन को इंडिया जाके सीता महालक्ष्मी को ढूंढ के उसे पहुंचाना होगा, तभी उसे अपनी वसीयत में से पैसे मिलेंगे। और आफरीन सीता को ढूंढने के लिए हैदराबाद पहुंचती है और वह वहां पर अपने सीनियर बालाजी से मिलती है। आफरीन एड्रेस के अनुसार हैदराबाद में एक गर्ल्स कॉलेज में पहुंचती है और वहां पर सालों से काम कर रहे सुब्रमण्यम से वह सीता के बारे में पूछती है। लेकिन वह बताता है कि इस नाम की यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी कभी भी। ये कॉलेज कभी प्रिंसेस नूरजहां का महल था, लेकिन उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए इसे दान कर दिया। तभी आफरीन को आइडिया आता है कि वह सीता के बजाय राम को ढूंढे, अगर राम मिल गए तो सीता भी मिल जाएगी। और वह राम के बारे में जानने के लिए 1965 में राम के साथ काम कर रहे विकास शर्मा से मिलती है। 1965 में अंसारी ने जिन लड़कों को कश्मीर भेजा था और वह अंसारी खुद ही उन लड़कों का पता इंडियन आर्मी को बता देता है और इंडियन आर्मी उन सभी लड़कों को मार डालती है, जिससे वहां के सारे लोग भड़क जाते हैं और वह भी कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए उनके घरों में आग लगा देते हैं। लेकिन तभी राम और उसकी टीम यह खबर फैलाने वाले को पकड़ लेती है और उन सभी लोगों के सामने राम उस खबर फैलाने वाले से सच बुलवाता है, जिससे सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आग बुझाते हैं और इसकी वजह से कई सारे कश्मीर पंडितों की जान बच जाती है। यह खबर एक नेशनल न्यूज बन जाती है और राम और उसके साथियों के इंटरव्यू लिए जाते हैं। लेकिन राम इंटरव्यू में बताता है कि वह अनाथ है, उसका अपना कोई नहीं, इसलिए सारा देश उसे प्यार भेजता है। उसे कई सारे लेटर मिलते हैं जिसमें किसी ने उसे अपना भाई माना है, किसी ने अपना बेटा माना है, लेकिन उसे एक लेटर मिलता है सीता महालक्ष्मी का, जो उसे अपना पति मानती है। बिना एड्रेस के ये लेटर राम को थोड़े थोड़े टाइम बाद मिलते रहते हैं और राम को लेटर में लिखी एक बात से सीता के बारे में पता चलता है कि वो एक फिक्स टाइम से कहीं ट्रेन में जा रही है, और इसी वजह से राम पूरी ट्रेन को ढूंढ लेता है और लास्ट में उसे सीता का केबिन मिल जाता है और वह उसे अपने दोस्त का लैंडलाइन नंबर दे के वहां से चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन सीता उसके दोस्त के घर पे आ जाती है और इसी तरह से राम और सीता दोनों बार बार मिलने लगते हैं और दोनों में प्यार होने लगता है। राम को पता चलता है कि सीता एक डांस टीचर है और प्रिंसेस नूरजहां के महल में रहती है। तभी सीता राम को बताती कि वह सबसे पहले उसे कश्मीर में मिली थी, जब वहां के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के घर में आग लगाई थी, तभी राम ने ही सीता की जान बचाई थी, लेकिन उस टाइम राम उसका चेहरा देख नहीं पाया होता है। लेकिन तभी राम को वापस कश्मीर जाना होता है, लेकिन राम को यह बात पता नहीं होती कि सीता ही प्रिंसेस नूरजहां है, और दूसरी तरफ प्रिंसेस नूरजहां की शादी ओमान के प्रिंस से फिक्स कर दी जाती है। लेकिन तभी अखबार में राम और सीता की फोटो छपती है, जिसकी वजह से सीता की शादी प्रिंस के साथ टूट जाती है और सीता राम के साथ कश्मीर चली जाती है। वह कश्मीर में राम के साथ ही रहने लगती है और सीता कश्मीर में राम के दोस्तों से भी मिलती है। लेकिन तभी कश्मीर में एक लड़का पकड़ा जाता है जिसे अंसारी के करेक्ट ठिकाने के बारे में पता होता है। लेकिन राम उस लड़के से वादा करता है कि वह उसकी छोटी बहन वाहिदा को अंसारी से छुड़ाएगा और उसे सही सलामत रखेगा। तभी अंसारी को मारने के लिए इंडियन आर्मी एक सीक्रेट मिशन बनाती है। टीम के कैप्टन विष्णु होते हैं और इसमें राम और उसके साथियों को लिया जाता है और उन सब लोगों को वार्निंग दी जाती है कि यदि वह पकड़े गए तो हम लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्हें देशद्रोही मान लिया जाएगा। वह टीम पाकिस्तान में एंटर करती अंसारी और उसके सारे साथियों को मार डालती। लेकिन जब वह भागने वाले होते हैं तब राम को एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि यही लड़की वाहिदा है और वह उसे बचाने के लिए वापस जाता है। लेकिन उसी दौरान राम और कैप्टन विष्णु पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उन दोनों को पाकिस्तानी आर्मी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है। लेकिन तभी पाकिस्तानी आर्मी के सामने एक इंडिया एक प्रपोजल रखता है कि वह एक्सचेंज ऑफर करेंगे कि इंडियन आर्मी उनके एक टेररिस्ट को छोड़ देगी और इसकी बजाय उन्हें हमारे दोनों आदमियों को
को छोड़ना होगा। लेकिन शुरू में तो पाकिस्तानी आर्मी मान जाती है, लेकिन बाद में वह मना कर देती है कि हम दो के बजाय सिर्फ एक को ही छोड़ेंगे, कि दोनों में से जो हमें कश्मीर में इंडियन आर्मी की सही लोकेशन बताएगा हम उसे जाने देंगे, और इसके लिए दोनों को इमोशनली टॉर्चर और ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन कैप्टन विष्णु उन्हें इंडियन आर्मी की लोकेशन बता देते हैं और कैप्टन विष्णु को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिसकी वजह से कश्मीर में 40 से ज्यादा जवान मारे जाते हैं, और ये सारा दोष राम के ऊपर डाल दिया जाता है, और सारे लोग ऐसा समझते हैं कि राम ने ही उन्हें लोकेशन बताई है। तभी राम अपना आखिरी लेटर लिख के पाकिस्तानी जनरल तारिक को देता है और कहता है कि इसे इंडिया में सीता माँ लक्ष्मी तक पहुँचा देना, यही उसकी आखिरी इच्छा है। लेकिन तभी आफरीन को पता चलता है कि राम ने जिस लड़की वाहिदा की जान बचाई थी वह लड़की और कोई नहीं आफरीन ही है, और जनरल तारिक ने उसे गोद लिया था राम के कहने पे। तभी उन्हें पता चलता है कि सीता माँ लक्ष्मी कश्मीर में ही रहती है, और तभी बालाजी वह लेटर सीता माँ लक्ष्मी तक पहुँचा देता है। उस लेटर में राम ने लिखा होता है कि मैं हर पल तुम्हें याद करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। राम को यह बात पता होती है कि सीता एक मुसलमान है, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह यह भी लिखता है कि मैंने दुश्मनों को आर्मी की लोकेशन नहीं बताई, यह बताने वाले कैप्टन विष्णु थे और इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। और लास्ट में यह लिखा होता है कि जब तुम्हें यह लेटर मिलेगा तब तक मैं मर चुका हूँगा, कि उन लोगों ने कैप्टन विष्णु के जाने के बाद अगले ही दिन उसे फांसी दे दी और सीता यह लेटर इंडियन आर्मी को दे देती है। लेकिन यह बात सुनते ही कैप्टन विष्णु बदनामी से बचने के लिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लेते हैं, और इंडियन आर्मी राम के नाम के ऊपर लगे सारे गलत इल्जामों को खारिज कर देती और राम को एक सच्चे देशभक्त का दर्जा देती। और इसी के साथ मूवी की कहानी खत्म हो जाती।